हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम मोल कंसेप्ट का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है स्टोइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, और साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आना चाहिए कि आपको स्टोइकोमेट्री होती क्या है। तो बेसिकली होती क्या है, ये क्वांटिटी का क्या करती है, एनालिसिस करती है। किसकी? रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की क्या करता है, क्वांटिटी है उसका क्या करती है, एनालिसिस करती है। जैसा आपने रिएक्टेंट का कुछ पार्ट ले लिया, साथ में ये भी दूसरा रिएक्टेंट भी ले लिया, तो ये बताएगा कि आपने ये रिएक्टेंट लिया है ये कितने अमाउंट में रिएक्ट करेगा, ये कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट कितने अमाउंट में फॉर्म होगा। ये क्या बताती है आपकी, बेसिकली स्टोइकोमेट्री बताती है। जैसे अपन ने आपको ये केमिकल रिएक्शन ले लिया है, जैसे आपने ले लिया ए प्लस बी बी, फिर क्या बन रहा है आपका, सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ आप ये जान लो पहले, ये ए बी, ये कैपिटल में जो ए है, कैपिटल में जो बी है, और कैपिटल में जो सी है, और कैपिटल में जो डी है, ये क्या है। ये बेसिकली आपके जो कैपिटल में ए है वो आपको बता रहा है रिएक्टेंट, कैपिटल में बी है भी, ये भी क्या बता रहा है आपका, रिएक्टेंट बता रहा है। कैपिटल में सी है, ये भी क्या बता रहा है आपका, प्रोडक्ट, और डी क्या है, ये भी प्रोडक्ट बता रहा है। लेकिन जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी है, ये क्या बता रहे हैं आपके, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बता रहे हैं। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेसिकली बताते क्या है, ये मोल बताते हैं। क्या बताते हैं, मोल के बारे में बताते हैं, अमाउंट के बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मोल के बारे में बताते हैं। जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस हुआ, तो मोल बता सकते हैं। और जैसे वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम के अभी क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, किसका, गैस का। और ये जब वॉल्यूम कब बताएंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, जो आपके वॉल्यूम होता है ना, वो किसकी तरह ट्रीट होता है, मोल की तरह ट्रीट होता है। वॉल्यूम किसकी तरह ट्रीट होता है, मोल की तरह ट्रीट होता है। ये आपने पढ़ा होगा किसमें, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में अपन पढ़ते हैं। तो ठीक है, हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं, उसने क्या बोला था कि अगर आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है किसी गैस का, तो आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेसिकली क्या बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, चले आगे। अब पढ़ते हैं, जैसे आपने कोई रिएक्शन दे दी है, ए ए प्लस बी बी से सी सी प्लस टी डी, तो ये बेसिकली बता क्या रहा है, जब आप ए मोल ए के लोगे, तो उसके साथ ना आपके बी मोल बी रिएक्ट करेंगे, कितने, बी मोल बी रिएक्ट करेंगे, और कितना फॉर्म होगा, सी मोल सी फॉर्म होगा और डी मोल डी फॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि मैं ए का एक मोल नहीं ले रहा हूँ, मैं आपका ए का एक मोल ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, वन मोल ले रहा हूँ ए, तो आप बता सकते हो कि आपका बी कितना फॉर्म, बी कितना मोल रिएक्ट करेगा, बी कितना रिएक्ट करेगा, तो बी कितना रिएक्ट करेगा, बी, और ये जो आपका कोएफिशिएंट, इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, ए बाई मोल, तो आपका बी कितना रिएक्ट करेगा, बी बाई ए मोल रिएक्ट करेगा। सी कितना फॉर्म होगा, सी ए को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, सी बाई ए मोल। डी कितना फॉर्म होगा, डी बाई ए मोल। ये किस तरीके से हुआ है, जैसे आप अपन मैथ में पढ़ते हो ना, अगर ए मोल से आपका अगर सी मोल फॉर्म हो रहा है, तो एक मोल से कितना फॉर्म होगा, सी वाई ए, यही तो फॉर्म होगा, तो अपन ऐसा ही फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे डी के लिए भी कर दिया। ऐसे अगर आपका क्या दे रखा हो, बी अगर आपका एक मोल दे रखा हो, बी क्या दे रखा हो, एक मोल दे रखा हो, तो आपका ए कितना रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, जब आपका बी कितना दे रखा हो, बी से आपका ए रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एक मोल से कितना रिएक्ट करेगा, ए बाई बी रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो ये कितना रिएक्ट करेगा, ए बाई बी मोल रिएक्ट करेगा। ये कितना मोल रिएक्ट करेगा, ए बाई बी मोल रिएक्ट करेगा। सी कितना फॉर्म होगा, सी बाई बी फॉर्म होगा, सी बाई बी मोल फॉर्म होंगे, और डी कितना फॉर्म होगा, डी बाई बी फॉर्म होगा। ऐसे अगर अपन को प्रोडक्ट साइड दे दिया जाए कि आपको प्रोडक्ट दे दिया, एक मोल सी दे दिया, एक मोल सी दे दिया है, तो आप बताओ एक मोल सी के साथ ए के कितने मोल रिएक्ट करेंगे, या कितने मोल ए ने रिएक्ट किया होगा कि आपका सी फॉर्म हुआ, कितनों ने क्या होगा, ए बाई सी मोल ने रिएक्ट किया होगा, तब आपका एक मोल सी फॉर्म हुआ होगा। बी ने कितने ने किया होगा, बी के ने किया होगा, आपका बी बाई सी मोल ने रिएक्ट किया होगा, तब आपका सी का एक मोल फॉर्म हुआ होगा। तो इसका मतलब समझो, जब अगर आप इसका एक मोल ले रहे हो, तो इसका आपको कितने मोल लेने पड़ेंगे, बी मोल लेने पड़ेंगे, तो सी कितना फॉर्म होगा, सी मोल, और डी कितना फॉर्म होगा, डी मोल। जैसा अपन आप ले लेते हो, जैसे आपने एक रिएक्शन ले ली, ए प्लस टू बी से थ्री सी प्लस फोर डी, या आपने कोई रिएक्शन ले लिया, इसमें आपको बताना है यहाँ क्या दिख रहा है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, एक, इसका कितना है, दो, इसका कितना है, तीन, इसका कितना है, चार। तो जब आप ए का एक मोल लोगे ना,
जब आप ए का एक मोल लोगे तो जो आपको बी लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, दोगुना लेना पड़ेगा। तो इसके कितने लेने पड़ेंगे आपको, दो मोल लेने पड़ेंगे। और सी कितना फॉर्म होगा, तीन मोल सी फॉर्म होगा। डी कितना फॉर्म होगा, चार मोल डी फॉर्म होगा। आप इसको ऐसे करके देख सकते हो। जैसा अपन अपन बात करें इसमें किसकी, मोल मोल रिलेशनशिप की बात करें, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपके मोल ऑफ ए रिएक्टेड बाय उसका कोएफिशिएंट ए, मोल ऑफ बी रिएक्टेड बाय कोएफिशिएंट बी, मोल ऑफ सी फॉर्म बाय कोएफिशिएंट सी, मोल ऑफ डी फॉर्म बाय कोएफिशिएंट डी। तो आप बता सकते हो ना, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, यही एक्सप्लेन किया है कि अगर आपसे कोई पूछ ले मोल ऑफ ए रिएक्टेड कि आप हमको मोल ऑफ ए रिएक्टेड बताओ, तो कैसे बताओगे आप, और आपको क्या दे रखा हो, मोल ऑफ बी दे रखा हो, कितने रिएक्ट किए, मोल ऑफ बी ने कितने रिएक्ट किया है, तो क्या करोगे आप, ए को यहाँ ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी इंटू मोल ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, यही हो जाएगा ना। तो देखो यही तो आ रहा था अपन का पीछे, यही तो आ रहा था जब आप क्या ले रहे थे, ए बाई बी मोल ही तो आ रहा था जब आप बी का कितना मोल ले रहे हो, एक मोल ले रहे हो। और ऐसे आपने बी की कोई भी अमाउंट ले ली तो यहाँ वो अमाउंट रख दो। जैसे आपने बी का मान लिया कि बी का एग्जैक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मोल दिए हुए हैं, बी के 10 मोल दिए हुए हैं, तो ए बाई बी इंटू 10, ये क्या होगा इसका कोएफिशिएंट, रिएक्शन में जो हो रहा होगा बी क्या होगा उसका कोएफिशिएंट, क्लियर। तो ये मोल ऑफ मोल रिलेशनशिप हो गया। ऐसे आप इन किसी का भी निकाल सकते हो, ये तो पता ही है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन से हो गई। जैसे मोल ऑफ सी फॉर्म निकालना है, मोल ऑफ ए रिएक्टेड दे रखे हैं, तो सी को क्या करोगे, इधर ले जाओगे, सी बाई ए इंटू मोल ऑफ ए रिएक्टेड, क्लियर। आगे चलें, जैसा अपन एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्टेड एट HTP व्हेन 17 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई सी भी रिएक्शन है, रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते हैं, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, दो, तो इधर क्या कर दोगे आप, दो से मल्टीप्लाई। अब इधर हाइड्रोजन देखो दो, इधर हाइड्रोजन कितने, छः, तो क्या कर दोगे, तीन से मल्टीप्लाई साइड, रिएक्टेंट साइड। तो देखा आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब आप देखो क्या क्या देखा है आपसे, वो पूछ रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्टेड एट वैन 17 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म, कितना दे रखिए NH3 आपको, 17 ग्राम, और मोल कितने हो जाएंगे 17 ग्राम के आपके, 34 से डिवाइड, 17 मोल कितना हो जाएगा, सॉरी NH3 का मोलर मास कितना होता है, 17 ही होता है, कितना होता है 17, तो कितने हो गए इसके, एक मोल दे रखा है आपको, एक मोल क्या दे रखा है, NH3 दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि वो वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्टेड, कि आपसे H2 का कितना वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये 3 है, अगर इसके 2 मोल हैं, इसके कितने, 2 मोल NH3 है, तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 मोल। अगर आपका इसका एक मोल है तो इसके कितने करेंगे, 3/2 इंटू 1, यही तो करेगा, ये क्या चला गया, नीचे चला गया। तो ऐसे कितना हो जाएगा आपका, कितना मोल रिएक्ट, एक कितना दिया हुआ है, एक मोल दिया हुआ है, तो कितने मोल H2 ने रिएक्ट किया, 3/2 मोल H2 रिएक्ट करेंगे। अब 3/2 मोल का वॉल्यूम निकाल लो, HTP में कितना करते हैं, 3/2 इंटू 22.4, ऐसे ही करते हैं ना, मैंने आपको मोल कंसेप्ट में बताया हुआ है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मोल से। तो कितना आ जाएगा ये, 33.6 आपका आंसर आ जाएगा, 33.6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। इतना लीटर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इतना वॉल्यूम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा H2 का, जब आपका 17 ग्राम NH3 फॉर्म होगा, क्लियर, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको ये एग्जांपल दे दिया, हाउ मैनी किलोग्राम कार्बन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 9 किलोग्राम एल्यूमिनियम, कितना, 9 किलोग्राम एल्यूमिनियम। तो मैंने बताया था मोल कैसे निकालते हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 9000 ग्राम डिवाइड बाई कितना, 27, यही तो होगा एल्यूमिनियम का कितना होता है मोलर मास, 27 होता है, ये कितना बार गया, 3 बार गया, तो कितना आ रहा है ये, 1000/3 मोल आपको एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो क्या करो, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस, एल्यूमिनियम इधर कितने, 2, इधर कितने, 2, इधर एल्यूमिनियम कितने, 2, इधर कितना, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन से बैलेंस करते हैं इसको, ऑक्सीजन कितने, इधर 2, इधर ऑक्सीजन कितने, 3, तो क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 हो गए, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन बैलेंस। अब आप एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, 2 2 4, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4, कार्बन कितने, इधर 3 3 कार्बन, ठीक है। अब इससे क्या पता चल रहा है, जब आप इसके 2 मोल लोगे Al2O3 के, तो 3 मोल आपको कार्बन के लेने पड़ेंगे, 3 मोल आपका CO2 फॉर्म होगा, और 4 मोल आपका एल्यूमिनियम फॉर्म होगा। लेकिन दे कितना रखा है एल्यूमिनियम आपको, 1000/3, और आपसे पूछ कह रहा है कार्बन कितने चाहिए। जब आपको यहाँ देख रहे हो आप, 4 मोल कार्बन फॉर्म, 4 मोल एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है, जब कब, जब आपके 3 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है। जब आपका 1 मोल एल्यूमिनियम कब फॉर्म होगा, जब आपका 3/4 कार्बन रिएक्ट करेगा, कितना, 3/4 मोल कार्बन, और आपको दिए कितने, कितना फॉर्म हो रहा है,
1000/3 मोल हो रहा है, तो क्या करो, 3/4 × 1000/3 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 250 मोल। ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको क्या कर दो 250 × 12 ग्राम आ जाएगा, और इसको क्या कर दो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझे कैसे करना है, अगर आपको स्टोइकोमेट्री को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इससे आपको रिएक्शन को समझने में आसानी मिलती है। तो अगर इसका आपको दो, जैसे आपका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो जब आप इसके 2 मोल लोगे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे 3 मोल, इसके कितने फॉर्म होंगे 3 मोल, और इसके कितने फॉर्म होंगे 4 मोल फॉर्म होंगे। क्लियर आया समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे आपको अमाउंट दे दी जाए तो आपको क्या करना है, जैसे आपको किसी की भी निकालनी है, जैसे आपको कार्बन की निकालनी है और जिसके मोल दे रखे हों, आपको किसकी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है, जैसे कार्बन की निकालनी है और एल्युमिनियम के आपको मोल दे रखे हों, तो आपको क्या करना है, इसके मोल दे रखे हैं एल्युमिनियम के, तो इसके कोएफिशिएंट को क्या करो नीचे ले जाओ, आपको कार्बन की अमाउंट मिल जाएगी, कार्बन और इसके कितने मोल यूज हुए आपको उतने रख देना है, यही तो हो जाएगा। जैसे आपको कार्बन का निकालना है तो कार्बन के नीचे जिसके अमाउंट दे रखे उसके मोल को कोएफिशिएंट को नीचे ले आओ और उसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और करते हैं, अब बात करते हैं सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कि जैसे आपकी सीरीज चल रही हो उसमें अपन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसी में भी वही कंसेप्ट लगना है, आपको दे रखा है कि 127 ग्राम ऑफ I2 प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है 127 ग्राम I2 प्रोड्यूस हो रहा है, किससे AgNO3 से, किससे AgNO3 से आपको I2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको चेक करना है कितना AgNO3 की ज़रूरत है। तो आप कैसे करो, आप क्या मान लो, पहले तो क्या करो आप रिएक्शन को बैलेंस करो, सबको रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, Na1 Ag1 Ag1 Na1, ये ऊपर वाली बैलेंस है, दूसरी वाली देखते हैं पहले AgI Fe1 Ag कितने हैं 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपकी ए, अब बैलेंस हो गई। तीसरी वाली बैलेंस देखो Fe1 I2 1 I2 2 I2 2 क्लोरीन कितने हो गए यहाँ 2, यहाँ कितने क्लोरीन है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। अब आप क्या मान लो, आपको सीरीज वाली रिएक्शन करनी है ना, तो क्या करो इसके ए मोल लेके चलो, अपन ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इसके कितने ए मोल है। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी रिएक्शन में AgI की जरूरत है, तो अपन यहाँ से पता करेंगे कि AgI कितना फॉर्म हो रहा है। जब इसका एक मोल ले रहे हैं अपन, किसका कोएफिशिएंट है 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, जब इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है तो कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल, जब इसका ए मोल रिएक्ट करेगा तो इसका कितना फॉर्म होगा ए, या कैसे कर सकते हो, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट को नीचे लाओ 1 × A, तो इसका कितना फॉर्म होगा आपका ए मोल फॉर्म होगा। तो अब ये आपका ए मोल है तो यहाँ भी कितना आएगा, ये ए मोल ही आएगा, ना कि 2A मोल। ठीक है, कितना आएगा ये ए मोल आएगा, अमाउंट दुगनी नहीं होगी, ये ध्यान रखना, अमाउंट तो उतनी ही रहेगी रिएक्शन में, आपको रिएक्टेंट की अमाउंट क्या रहेगी, जो प्रोडक्ट से मिले उतनी अमाउंट ही तो रखेंगे आप, एक्स्ट्रा थोड़ी ऐड कर देंगे। अब रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में अमाउंट चेंज हो सकती है। अब ए मोल आपने ये लिया ए मोल, तो आपको अगली रिएक्शन में क्या चाहिए, आपको Fe2 चाहिए, तो आप Fe2 देखो कितना फॉर्म होगा, जब आप इसके 2 मोल ले रहे हो तो इसका कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल हो रहा है, तब आप इसके 1 मोल लोगे तो कितना फॉर्म होगा ये 1/2, और जब आप इसके ए मोल लोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 × A, या कैसे कर लो, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट को नीचे लाओ 2 और इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके कितने मोल फॉर्म हुए A/2 मोल फॉर्म हुए हैं, कितने हुए A/2 मोल फॉर्म हुए हैं, मोल को अपन बाद में लिख लेंगे, कितने फॉर्म हुए A/2 फॉर्म हुए। ठीक है, अब आपको A/2 आ गया तो यहाँ भी कितना आएगा, ये A/2 ही आएगा, ना कि 2 × A/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या चेक करना है, I2 के अमाउंट चेक करनी है, जब ये आप 2 मोल ले रहे हो तो ये भी कितना लेना, कितना फॉर्म हो रहा है 2 मोल, 1 मोल लोगे तो ये कितना फॉर्म होगा 1 मोल, जब आप A/2 मोल लोगे तो ये कितना फॉर्म होगा A/2 मोल फॉर्म होगा। तो आप क्या करो, A की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, आपको I2 के मोल पता चल जाएंगे, जैसे A/2 तो आपको I2 के मोल आए, ये किसके बराबर होंगे, बेसिकली 127 ग्राम, और I2 का कितना होता है मास, I2 का होता है 1254, तो ये किसके बराबर होगा, ये बेसिकली 1/2 के बराबर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 मोल आ गई, तो ये आपका कितना आ गया, ये 1 मोल आ गया है, कितना आ गया ये 1 मोल आ गया है। तो आप AgNO3 का मास निकाल सकते हो, क्या कैसे निकालोगे, AgNO3 के मास से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 1 × Ag का कितना होता है 108 प्लस 14 प्लस ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 + 32 = 48, तो आपका आंसर आ जाएगा, AgNO3 का मास आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ये क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये भी किसका दे रखा है, रिएक्शन सीक्वेंस का दे रखा है, हाउ मच मास ऑफ Cl2 इज नीडेड, ये कितना Cl2 का मास अपने को कितना चाहिए ये पूछ रहा है,
टू प्रोड्यूस 277 ग्राम ऑफ KCl ओ4, 277 ग्राम ऑफ KCl ओ3। कैसे करना है एज्यूम कर लो, इसका क्या मान लिया आपने, ए मोल मान लिया। कितना मान लिया, ए मोल मान लिया। पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन दो, हाँ क्लोरीन दो और क्लोरीन दो, पोटेशियम दो, पोटेशियम दो, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, हाँ रिएक्शन बैलेंस है। इधर नीचे वाली भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस ही रिएक्शन दिया आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, के सी एल ओ चाहिए। अगर आप इसका कितना ले रहे हो, एक मोल ले रहे हो, सॉरी आप किसका ले रहे हो, एक मोल ले रहे हो, तो के सी एल ओ कितना बन रहा है, एक मोल ही बन रहा है, बन रहा है ना। तो आप इसका ए मोल लोगे तो ये कितना फॉर्म होगा, ए मोल ही फॉर्म होगा। या कैसे कर लो, इसका कोएफिशिएंट कितना, वन, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओ, कितना है, वन ही कोएफिशिएंट है इनटू ए, तो कितना आ रहा है, ए ही आएगा। तो यहाँ से आप के सी एल ओ के अमाउंट को नीचे ले जाओ, ये कितना हो गया, ए मोल हो गया, ना कि 3A, ठीक है। प्रोडक्ट के उतना ही प्रोडक्ट ही यूज़ कर पाएंगे, अब अमाउंट अपने जितने पास उतना ही तो यूज़ कर पाएंगे, एक्स्ट्रा थोड़ी कर लेंगे अपन, ऐड थोड़ी की है। अब देखो यहाँ से, यहाँ से आपको क्या चाहिए, के सी एल ओ 3। जब आप इसके 3 मोल यूज कर रहे हो तो इसका कितना चाहिए, एक मोल फॉर्म हो रहा है। जब आप इसका एक मोल यूज करोगे तो कितना फॉर्म होगा, 1/3। और जब आप इसका ए मोल यूज करोगे तो कितना फॉर्म होगा, A/3। तो कैसे हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट कितना है आपका, वन, इसके कोएफिशिएंट को क्या करो, नीचे लाओ, 3, और मोल कितना है, ए, तो कितना आ गया ये, A/3 मोल आ गया। तो आपने यहाँ पुट कर दिया A/3, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, तो क्या चाहिए, के सी, हाउ मच मास ऑफ के सी एल ओ फोर चाहिए, एक चाहिए। जब आप इसका 4 मोल ले रहे हो तो इसका कितने बन रहा है, 3 मोल, एक मोल लोगे तो 3/4 हो जाएगा, और A/3 लोगे तो 3/4 इंटू 1/3, तो 3 है। इसका कोएफिशिएंट कितना, 3, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओ, और मोल कितने, A/3, तो कितना आ गया ये, A/4 आ गया, कितना आ गया, A/4। तो आपके पास आ गए A/4 मोल आ गए, किसके, के सी एल ओ फोर, कितने, A/4। और आपको के सी एल ओ फोर का मास दिया हुआ है कितना, 277 ग्राम। और के सी एल ओ फोर का मोलर मास निकाल लो, निकालो पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5 करके, देखो इधर 39, 35.5, ऑक्सीजन 16 32, 16 48, 16 64, तो कितना आ रहा है ये, 5 9 5 14 4 18 11 कहाँ से 1 4 3 7 6 13 138, ठीक है, ये आ रहा है आपका 138.5। मतलब आपके कितने आएंगे, ये 2 मोल दे रखें, कितने दे रखें, 2 मोल, तो एक कितना आ गया आपका, 8 मोल, एक कितना आ गया आपका, 8 मोल। आपको क्या चाहिए, मास चाहिए Cl2 का, ए मोल कितना आ गया आपका, 8 मोल आ गया। तो मास चाहिए तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो करो मल्टीप्लाई, 8 × 35.5 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, Cl2 का कितना हो जाएगा, 71। तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, 8 8 6 56, तो 568 ग्राम आ गया आपका आंसर। कैसे किया, आपने Cl2 का ए मोल लिया, ए मोल से KClO कितना फॉर्म हुआ, ए मोल ही फॉर्म हुआ। जब आपने इधर यहाँ ए मोल आया तो ये KClO3 कितना फॉर्म हुआ, A/3 आ गया ना। कैसे करना है, स्टोकियोमेट्रिक कैसे यूज आ रही है, ठीक है। फिर A/3 से कितना फॉर्म होगा, A/4 फॉर्म होगा, और A/4 है आपका अमाउंट दे रखे, क्लोरीन के क्या दे रखे, KClO4 के अमाउंट दे रखे, इसके मोल निकाल लेंगे, ये किसके बराबर होंगे, A/4 के बराबर होंगे। A/4 से क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8 मोल, तो ये क्या आ गया आपके, Cl2 के मोल आ गए, और Cl2 के आपने अमाउंट निकाल ली। सॉल्व क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आता है। और देखते हैं बिच लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो आपका रिएक्शन में क्या हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, जो क्या हो जाए आपका रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या बोलते हैं, जो लिमिट में होता है, लिमिटिंग नाम से पता चल रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो आपका रिएजेंट कम क्या हो, लिमिट में हो, जो रिएक्शन में क्या हो जाए, पहले खत्म हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जैसे अपन H2 और O2 ले लिया, ठीक है, इसका कितना है आगे, कितना कोएफिशिएंट है, 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। क्या करो, इनको कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, 4/1 और 4/1, कौन ज़्यादा आ रहा है, O2 ज़्यादा आ रहा है, O2 क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 5 आ रहा है, H2 क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसके अमाउंट कम आएगी वो क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसके अमाउंट ज़्यादा आएगी वो क्या आएगा, एक्सेज रिएजेंट होगा। और ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन अब किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के ही अकॉर्डिंग चलेगी। रिएक्शन का कौन चलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट चलाएगा। तो अगर इसका 4 मोल है तो O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, O2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, देख लो, इसका कोएफिशिएंट कितना, 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 4, तो कितना मोल रिएक्ट करेगा, 4 मोल O2 रिएक्ट करेगा। देख कितना रखा है, 5 मोल, तो जो लेफ्ट अमाउंट क्या हो जाएगी, लेफ्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5 - 4, मतलब आपका 1 मोल O2 बच जाएगा, 1 मोल O2 बच जाएगा, जो रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, आपका H2 खत्म हो गया पहले। आपका H2O कितना फॉर्म होगा, वाटर कितना फॉर्म हो रहा है, देखो कितना इसका रिएजेंट, इसका कोएफिशिएंट कितना, 2, H2 का कितना है,
वन कितने मोल दिए, चार मोल, तो इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे, आठ मोल H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं इसमें कितना है, इसके दो मोल दिए और इसके तीन मोल दिए, इसका कोएफिशिएंट कितना है, वन है, इसका कितना है, दो है। करो डिवाइड, 2y1 और 3y2, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, ये कितना है, ये तो 1.5 हो गया। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, O2 होगा। अब रिएक्शन कौन चलाएगा, O2 चलाएगा। तो O2, अब CO आपसे पूछ ले CO2 कितना फॉर्म होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, O2 का कितना है, नीचे 2, नीचे लेगा 2 को नीचे फेंको, इसके मोल कितने दे रखें, 3, तो ये कितना फॉर्म होगा आपका, 3y2 मोल O2 फॉर्म होगा, 3y2। तीन मोल से कितना CO2 फॉर्म होगा, 3y2। ठीक है, अब H2O का देखो, H2O का कोएफिशिएंट कितना, 2, इसका कोएफिशिएंट कितना, नीचे ले गया 2, मोल कितने H2O के, 3, तो कितना आ गया, 3 मोल क्या होगा आपका, H2O फॉर्म होगा। तो जो आपका रिएक्शन को कौन चलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट चलाएगा, रिएक्शन को कौन चलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट चलाएगा। ये कितना बचेगा देखो, CH4 कितना रिएक्ट करेगा, 1, इसका कोएफिशिएंट को नीचे लेके आओ, 2, मोल कितने दे रखें, 3, तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 3y2 मोल रिएक्ट करेंगे। तो बाकी का बच जाएगा, तो 2 माइनस 3y2 कर दो, कितना आएगा, 0.5 मोल आपका CH4 रिएक्शन में रह ही जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अपने को अप्लाई कब करते हैं, जब आपको दो या दो से ज़्यादा क्या दे रखे हों, रिएक्टेंट दे रखे हों, और साथ में उन दो या दो से ज़्यादा की अमाउंट दे रखी हो, तब आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, N2+3H2 2NH3, दोनों का एक एक मोल दे रखा है। अब ऐसे देखते हैं तो यार दोनों बराबर अमाउंट में दे रखें तो दोनों ख़त्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या करो, इनके कोएफिशिएंट से इनको डिवाइड करो, इसको 1 से और इसको 3 से, कौन ज़्यादा आ रहा है, N2, कौन कम आ रहा है, H2। तो जो कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, अब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। अब बताओ NH3 कितना फॉर्म होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2, इस वाले को नीचे ले गया 3, मोल कितने दे रखें, 1, तो आपका NH3 कितना फॉर्म होगा, 2y3 मोल NH3 फॉर्म हो रहा है। N2 कितना रिएक्ट करेगा, 1, ये 1, ठीक है, इसको नीचे लेके आओ 3, मोल कितना, 1, तो आपका एक कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, ये 1y3 मोल रिएक्ट कर रहा है। लेफ्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी, लेफ्ट अमाउंट कितनी बच गई, 1 माइनस 1y3। ठीक है, जब आपके तीन मोल H2 रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 मोल NH3 फॉर्म हो रहा है, जब आपका एक मोल H2 रिएक्ट करेगा तो कितना फॉर्म हो जाएगा, 2/3 मोल फॉर्म होगा। आ गया ना स्टोकियोमेट्री का फंडा समझ में, क्लियर, चलें आगे। अब ये देर क्या बोल रखा है कि जब अमाउंट क्या दे रखे हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के अमाउंट दे रखे हो रिएक्शन में, तभी आपको अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा। ठीक है, कंसेप्ट वाला तभी अप्लाई करना है। आगे चलें, अब आपको रिएक्शन दे दिया, फोर द फॉलोइंग वैलेंस रिएक्शन, 2x+3y, लिख लेते हैं मैं नीचे रिएक्शन, 2x+3y+4z से क्या बन रहा है, आपका 5w बन रहा है। इन्होंने बोल दिया इनिशियली 1 मोल x दे दिया, एक मोल दिया इसका x का, 3 मोल आपको y दे दिया, 4 मोल आपको z दे दिया, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, w के अमाउंट पूछ रहा है कि w कितना फॉर्म होगा। ठीक है, अब इनमें देखो, पहले मैंने क्या बोल रहा था, जब आपको क्या हो, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रखे हो और उनके अमाउंट दे रखे हो, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब अप्लाई करो, इनको क्या करो, कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये 3 से होगा, ये किससे डिवाइड होगा, 4 से, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। अब इनमें देखो कौन ज़्यादा है, ये दोनों तो बराबर हैं, 1-1 है, ये क्या है, कम है, ये दोनों इससे ज़्यादा हैं, तो ये क्या है आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब मैंने बताया था रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलती है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलती है। क्या बनाना है आपको, W चेक करना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 5, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके कोएफिशिएंट को क्या लाओ, नीचे लेके आओ, 2, मोल कितने हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, 1, तो देखो कितना आ रहा है, कितना जाएगा, 2.5 मोल आपका W फॉर्म होगा। ऑप्शन है क्या, ए रहा, तो आपको ऑप्शन क्लियर, ऐसे इजीली क्वेश्चन कर लेना है आपको। ठीक है, और देखते हैं, अभी दे रखा है स्टार्टिंग विद 2 मोल H2 3 मोल I2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, H2+I2 से 2HI बना रखा है, ए इनिशियल टोटल मोल्स हैं, बी फाइनल टोटल मोल्स हैं, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A-B। ये आपका क्वेश्चन NET में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आंसर टैब में पूछा जा सकता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, H2+I2 से क्या हो रहा है आपका, 2HI बन रहा है, क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। अब इनिशियली टोटल मोल्स मतलब T=0 क्या होगा आपका, इनिशियली होगा, इनिशियल भी क्या होगा, ओनली रिएक्टेंट होंगे। ये कितना है, 2 मोल, और ये कितना है आपका, 3 मोल,
तो स्टार्टिंग में कितने मोल हो गए आपके, और ये तो क्या होगा आपका, जीरो मोल होगा क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो ये क्या होते हैं आपके इनिशियल मोल होते हैं। तो ये क्या दे रखा है, इनिशियल टोटल मोल्स की वैल्यू मतलब ए, ए कितना हो गया आपका 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया, ए आपका 5 हो गया। अब आपकी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन क्या हो गई कम्प्लीट, टी कम्प्लीट, ठीक है। अब आप देखो इनमें से पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, 2/1, 3/1, कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, H2 होगा। तो मतलब आपका जो H2 है वो तो क्या हो जाएगा कंप्लीट ख़त्म। H2 है ये कितना बचेगा, देखो इसका I2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, पहले तो ये देखो I2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, मोल कितने इसके 2, तो इतना तो इसका मोल क्या करेगा रिएक्ट करेगा। ये तो क्या है आपका रिएक्टेड, ये क्या आपका रिएक्टेड, कौन I2 कितना रिएक्ट कर रहा है। अब कितना बच जाएगा वो देखो, जब इसके आपके 3 मोल दिए और 2 मोल रिएक्ट कर गए तो कितना बच गया आपका 1 मोल I2 बच गया, ठीक है, 1 मोल I2 बचा हुआ है। अभी आप रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद 1 मोल I2 बच गया है। अब आप देखो HCl कितना फॉर्म होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, H2 का कितना 1 नीचे ले गया है, H2 के मोल कितने 2, ये कितना हो रहा है 4 मोल फॉर्म हो रहा है आपका I2, ये कितना हो रहा है 4 मोल, ठीक है। तो बी क्या है आपका फाइनल टोटल मोल, बी क्या है आपका फाइनल टोटल मोल। अब फाइनल देखो ये 0 1 बच गया प्लस 4, 0 + 1 + 4, 0 + 1 + 4 कितना हो गया 5 मोल। तो बी भी कितना आया आपका 5 आया। आपको निकालना क्या है वैल्यू ऑफ ए माइनस बी निकालनी है, ए माइनस बी की आपको वैल्यू निकालनी है, 5 - 5 कितना आ गया 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन ही नोट डाल के लिखा हुआ है कि N2 और 3H2 आपको क्या दिया, ए 1 मोल दिया हुआ है, ये आपको 3 मोल दिया हुआ है। देखो इनमें से दोनों दो रिएक्टेंट के अमाउंट दिए, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, 1/1, ये 3/3 कितना आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तब क्या होगा वहाँ कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। जब आपके अगर दोनों बराबर आ जाएं तो क्या होगा वहाँ कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा और रिएक्शन होगी जो क्या होगी 100% कंप्लीट होगी, और रिएक्शन होने के बाद आपके रिएक्टेंट बचेंगे नहीं, इसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। चलें आगे, अब पढ़ते हैं आगे सीरीज ऑफ रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंड अप्लाई करें तो यहीं अप्लाई करते हैं। ये आपको 3 मोल दे रखा है, ये 2 मोल दे रखा है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट के अगर अमाउंट दे दी जाए तो क्या करना है अपने को अप्लाई करना है लिमिटिंग एजेंट, करो अप्लाई। ये 3/2 हो गया, ये 2/3 हो गया, कौन ज़्यादा, ये वाला ज़्यादा, लिमिटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो एक्स वाई कितना फॉर्म होगा, देखो एक्स वाई कितना, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना बाई के अकॉर्डिंग चलेगी रिएक्शन, इसके कोएफिशिएंट को करो नीचे ले गया, मोल कितने दे रखे हैं 2 मोल, तो कितना फॉर्म हो रहा है ये 2/3 मोल फॉर्म हो रहा है, तो ये 2/3 यहीं आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको बी, ये जेड कितना दिया हुआ है 6 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जेड 6 मोल दिया हुआ है, क्या बताना है आपको H2Y2Z3 कितना फॉर्म हो, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। अब देख लो H2Y2Z3, अब इनमें पहले चेक करो इनमें से कौन सा आपका क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, इनमें भी तो आपको चेक करना पड़ेगा, 2 रिएजेंट हो गए इनमें भी तो चेक करना पड़ेगा, तो करो इसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड, इसको क्या करोगे 3 से डिवाइड, कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा यही होगा, रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो देखो जब आप इसका 2 मोल लेते हो तो इसका 1 मोल बनता है, जब आप इसका 2/3 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 2/3, कैसे क्या करो इसका कोएफिशिएंट 1, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लेके आओ और मोल कितने आए 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कितने हो गया 1/3 H2Y2Z3 फॉर्म होगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अभी देखो इनमें चेक करो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले ये 3 मोल, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको 3 से, ये ज़्यादा हो गया ये कम हो गया, तो ये आपका अब लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा बाई वाला, 1 है ये क्या 1.5 है, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी बाई के अकॉर्डिंग चलेगी। अपने को क्या चाहिए एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ एक्स वाई का अमाउंट निकाल लो, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसके कोएफिशिएंट को नीचे ले गया 3, मोल कितने दिए 3 मोल, कितना आ गया 1 मोल आ गया, ये आ गया आपका 1 मोल, तो 1 मोल यहाँ आ जाएगा। अब इनमें चेक करो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, 1/2 ये 6/3, अमाउंट किसी ज़्यादा है ये, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो अब चलाओ इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लेके आओ, मोल कितने दिए हुए 1 मोल, तो कितना बन गया 1/2 मोल H2Y2Z3 फॉर्म होगा। अब देखो एक्स, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ से आएगा, ये रहा एक्स,
ठीक है, एक्स कैसे निकलेगा। अब इतना तो रिएक्ट हो चुका है, आपको एक्स कितना रिएक्ट हो चुका है पहले ये चेक कर लो, और यहाँ कितने अमाउंट बचेगी वो यहाँ यूज की जाएगी। तो देखो कितना यूज हो चुका है, यहाँ बाई के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलती है, तो इसका कोएफिशिएंट एक्स का कितना है 2, इसका नीचे आएगा 3, और बाई के कितने मोल है 3 मोल, तो इसके आपके 2 मोल रिएक्ट कर गए। कितने मोल रिएक्ट कर गए, 2 मोल रिएक्ट कर गए। तो लेफ्ट अमाउंट कितनी होगी इसकी, कितनी अमाउंट बचेगी, 3 माइनस 2 करो कितनी बचेगी, 1 मोल अमाउंट बचेगी। तो यहाँ आपका कितना 1 मोल एक्स है, जो लेफ्ट अमाउंट बचेगी वो यहाँ यूज आएंगी। एक्स बाई टू, ये रहा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू कितना फॉर्म होगा, जब देखो कितना फॉर्म होगा, इसका कोएफिशिएंट 1, बाई का नीचे आएगा नीचे, मोल कितने 3, ये कितना आएगा 1 मोल, ये भी आपका 1 मोल आ गया। जेड देखो, ये रहा जेड, ठीक है, जेड कितना आएगा, यहाँ 6 मोल थे, कुछ नहीं रिएक्ट किया होगा, ये एक्सेज अमाउंट में था, कुछ नहीं रिएक्ट किया होगा, कितनों ने रिएक्ट किया होगा, देखो इसका कोएफिशिएंट 3, एक्स वाई के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, एक्स वाई नीचे आएगा, कोएफिशिएंट नीचे आएगा 2, मोल कितना दे रखा है 1 मोल, तो कितने मोल रिएक्ट कर गए, 3/2 मोल रिएक्ट कर गए। 6 में से 3/2 कर दो, लेफ्ट अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 3/2, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 4.5। अब इनमें चेक करो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 1 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके अकॉर्डिंग अब रिएक्शन चलेगी। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, ये नीचे जाएगा 2, मोल कितने दिए थे 1 मोल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 मोल आंसर, या X3/2Z2 फॉर्म होगा। आपको ऐसे चलना है सीरीज ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, A+2B+3, इसको अपन अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, A+2B+3C, क्या बना रखा है उन्होंने, AB2C3 बना रखा है, ये आपने बना रखा है, ठीक है, ये रिएक्शन में बोला हुआ है। ठीक है, जेई 2015 का क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, रिएक्शन ऑफ 6 ग्रामों पे, ए कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, बी कितना दिया हुआ है 6×10^23 एटम, और सी कितना दिया हुआ है 0.036 मोल, और ये क्या कर रहे हैं, ये आपका ए बी टू सी थ्री कितना फॉर्म कर रहे हैं, 4.8 ग्राम ए बी टू सी थ्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इफ द एटोमिक मास ऑफ ए और बी का एटोमिक मास भी दे दिया, ए का कितना दे दिया आपका, ए दे दिया एम एटॉमिक मास ए का 60, और सी का कितना दे दिया 80, तो पहले क्या करो आप, ए के मोल निकाल लो, ए के मोल कैसे निकलेंगे, ए के मोल क्या निकलेंगे आपके, एन ए 6/60, 60 दिया हुआ है इसका मोलर मास, तो कितना आ जाएंगे 0.1 मोल आ गया। बी के मोल निकालो, बी का कितना आ जाएगा, एन अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा इसका 1 मोल आ जाएगा, अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो 6×10^23 / 6×23 10^23 1 मोल आ जाएगा। सी के कितने दिए हुए हैं, ऑलरेडी मोल दिए हुए हैं, यहाँ मोल रख दो सबके, ये 0.1 मोल, ये 1 मोल, और ये कितना 0.036 मोल। ठीक है, अब इनमें से देखो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, देखो इसको 1 से डिवाइड किया, इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, ये सबसे कम अमाउंट आएगी, लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या चलेगी, रिएक्शन चलेगी। कितना फॉर्म होगा देखो, ये AB2C23 कितना फॉर्म होगा, 1, इसका कोएफिशिएंट नीचे लेगा 3, मोल कितने दे रखें 0.036, मतलब आपके कितने फॉर्म होंगे, ये 0.012 मोल AB2C3 फॉर्म होगा, कितना मोल 0.012 मोल, लेकिन यहाँ इन्होंने अमाउंट दे रखी है कितनी 4.8 ग्राम, तो ये जो आपका अमाउंट है किसके बराबर होगी 0.012 मोल, आपके अमाउंट कितनी दे रखे 4.8 ग्राम, इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो इसके मोलर मास से, ए का कितना दिया हुआ है 60, ए का मान लिया आपने 60, बी का कितना दिया हुआ है, बी का वो क्या पूछ रहा है बी का, तो आप बी का मान लो एक्स मान लो, ठीक है, तो बी का आपने मान लिया एक्स, 2x 2, दो भी हैं तो 2x हो जाएगा। सी का कितना दिया हुआ है 80, तो सी का कितना हो जाएगा 3×80, मतलब 240, तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके देखो इनको, ये हो जाएगा आपका 0.012, 4.8, 2x प्लस कितना हो गया ये 240×300, ये हो गया, इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा ये 12×24 0.024x प्लस
ये 300, इससे दो जीरो से दो जीरो हो जाएंगे, यहाँ चले जाएगा 1.2 इंटू, ये हो जाएगा 3.6 बराबर 4.8। तो ये आपका आ जाएगा x कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1.2 डिवाइड बाई 0.024। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो और आ जाएंगे ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा 500। 500 आंसर ऑप्शन है क्या, 500 है क्या ऑप्शन, देखो 50, सॉरी 50 आएगा, ये 50 आएगा, 500 नहीं आएगा, 50 आएगा, कैलकुलेशन कर रहे हो, 50 आएगा, देखो 24 दो जीरो, 24 पंजे 120, 50 आएगा, हाँ सॉरी 50 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 50 AMU हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो गया आपका, 50 AMU आंसर हो गया। ठीक है, ये JEE Main का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, हो गया सॉल्व, आगे चलें। अभी क्वेश्चन देखते हैं, JEE Main 2019 में आया हुआ है, इसको देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ बटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57H10O6। पहले तो इसका मास निकालो, इतना बड़ा आइटम दिया है, देखो मास देखो इसका, C57H110O6, तो ये इसका कितना आएगा, 12 इंटू 57 प्लस 1 इंटू 110 प्लस 16 इंटू 6, करो कैलकुलेट कितना आता है, ये देखो कितनी ये आएगा आपका, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, 12 इंटू 57 या कितना आता है, 684 प्लस 110 प्लस 96, तो ये कितना आता है आपका टोटल, देखो 110 प्लस 96, ये आपका आता है 890, कितना आ रहा है 890 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है, तो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57, ये आपको दिया है 445 ग्राम, मतलब इसके मोल निकाल लो, मोल कितने निकलेंगे इसके, मोल कितने आ जाएंगे इसके, 445 डिवाइड बाई 890, ये आपका आ जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, 1/2 मोल दिया है, इसका कितना दिया हुआ है, 1/2 मोल दिया हुआ है। आपको O2 के अमाउंट नहीं दिए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट वाला फंडा अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करो स्टोइकोमेट्री लगाओ। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, मास ऑफ वाटर फॉर्म, तो आपको वाटर फॉर्म का मास निकालना है, इसका कोएफिशिएंट कितना वाटर का 110, इसका कोएफिशिएंट को क्या करो नीचे लेके जाओ और किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोल से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, तो इसके क्या आ जाएंगे आपको, मोल आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे आपको, मोल आ जाएंगे, तो मोल देखो कितने आ रहे हैं इसके, ये आपके मोल आ जाएंगे 55/2, मतलब 27.5 मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे, 27.5 मोल आ जाएंगे। आपको क्या पूछ रहा है वो, मास पूछ रहा है, तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18, तो आप 18 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा 18 × 5 90, 9 लगा, 18 × 6 108 एंड 27.5 × 118, ये आता है आपका 495, कितना आता है ये 495.0 ग्राम, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जेई का क्वेश्चन है 2019 का ऑनलाइन का, और देखते हैं ये रहा। फोर ए रिएक्शन N2+3H2 2NH3 आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको ये मिक्सचर दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि किस रिएक्शन में या किस मिक्सचर में आपका जो H2 है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले से ही N2+H2 बनाता क्या ये, NH3 बनाता है, पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, दो इधर आ जाएंगे, थ्री इधर आ जाएगा, 14 ग्राम N2 मोल निकालो इसके, सबसे पहले 14 ग्राम N2 के मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 0.5 मोल हो जाएगा 14 ग्राम, 4 ग्राम H2 मतलब 2 मोल आता है ना, मोलर मास से डिवाइड करके देख लो, 14 को अपन 28 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और 4 ग्राम को अपन H2 मतलब H2 का कितना होता है 2 2 आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट देखो इसमें, ये 1 ये 3 कौन बन रहा है, ये 2/3, ये 0.66 होता है और ये 0.5, तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका, ये ज़्यादा है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, लेकिन अपने को बताने का है ये आपको हाइड्रोजन होना चाहिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो आपका गलत हो गया, तो ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कैंसिल, ये पहले ऑप्शन तो आपको होगा नहीं, ऐसे आपको इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं अपन, 35 ग्राम, ये सॉरी रिएक्शन लिख रहे हैं देते अपने, N2+H2 N2+, वही रिएक्शन बैलेंस करने के बाद यही आएगी 2NH3। अब यहाँ देखो N2 के कितने मोल आएंगे, कैसे आएंगे, 35 / 28 करो कितना आता है, या आप 35 / 28 करते हो तो ये आता है आपका 1.25, ये आपके मोल आ गए 1.25। ठीक है, H2 के कितने, 8 ग्राम मतलब 4। ठीक है,
क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, इसका 1 से गया, इसका कितने से 3, ये आपका आएगा ऑलमोस्ट 1.33 आता है, तो अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ आपका N2 हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, और देखते हैं, और तीसरा ऑप्शन लगा के देखते हैं। आपको पहले मोल निकालने पड़ेंगे 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2, 28 डिवाइडेड 28, इसका कितना दे रखा है, एक मोल दे रखा है, 6 ग्राम ऑफ H2, 6 ग्राम मतलब 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 मोल, इसके 3 मोल दे रखे हैं, 1/1, 3/3, दोनों के अमाउंट सेम, मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। ये बच्चा इसको भी चेक कर लेते, देख लेते हैं कहीं सारे ही तो गलत नहीं दे दिए। ठीक है, करो चेक, क्या दे रखा है इनमें, इसका दे रखा है 56 ग्राम, 56 ग्राम/28, मतलब 2 मोल, इसके आपको 2 मोल दे दिए, H2 कितना दे दिया, 5 मोल दे दिया, डिवाइड करो, ये 2/1, ये 5/3, अब कौन सा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया, ये हो गया आपका 1.66, और ये क्या हो गया आपका 2, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया आपका H2 हो गया, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये जो JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम, जिसमें आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम हो रही है, वो बताना है आपको इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या देखना है कि आपको O2 के अमाउंट किसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम कंज्यूम हो रही है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको Fe की अमाउंट दी होगी, कोई ना कुछ दी होगी, तो इसमें O2 कितना रिएक्ट कर रहा होगा, देखो 3, इसका कितना 4, और O2 का आपने मान लिया, O2 का आपने ले लिया 32 ग्राम। ठीक है, O2 32 ग्राम, Fe का क्या 56 ग्राम, तो आपको ये क्या आएगी, अमाउंट आएगी। ऐसे Mg में क्या होगा, Mg में कितना दे रखा है, Mg वाले केस में देखो, इसका 1/ कोएफिशिएंट नीचे आएगा 2, O2 का कितना होता है 32, Mg का कितना होता है 12/24, इससे आपकी क्या आ जाएगी, O2 की अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें देखो तीसरे वाले में क्या, 5 इसका कोएफिशिएंट है, इसका 1 है, 32 डिवाइड बाई इसका कितना होता है 12 6 36 8 44, 44 यहाँ O2 की अमाउंट आ जाएगी। इसमें देखो 5 इसका कोएफिशिएंट 1 × 32 डिवाइड बाई फास्फोरस का कितना होता है 15 फास्फोरस, 31, 31 × 4 कितना होता है 4 3 12 124, तो यहाँ आ जाएगी। अब इनमें देख लो किसकी सबसे कम अमाउंट आएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसके क्वेश्चन भी कर लेना, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए, अब आप देखो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन का बुक का क्वेश्चन मिले करो, आप हो जाएंगे आपसे सॉल्व। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये चैनल। ठीक है।